अंदर दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो कि वाई एक्सिस पर होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले तो 3D स्पेस बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका z एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। तो आपका कोई पॉइंट है, सबसे पहले तो ये पॉइंट P, ये P पॉइंट सपोज करो कहीं बना लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ कहीं बना लेते हैं P पॉइंट। ये आपका P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट जो रखे हैं आपके 3, -2 एंड 5। अब y एक्सिस पे भी कोई पॉइंट है आपका, y एक्सिस पर पॉइंट सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है y एक्सिस पे, ठीक है। और इसी पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट है आपका A और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y एंड z। और ये जो AP डिस्टेंस है, ये जो AP डिस्टेंस है ये दे रखा है आपका 5√2। क्वेश्चन ये है तो आपको ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने। अच्छा अब एक बात बताइए, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो x भी आपका 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये आपकी y एक्सिस है तो केवल y का ही कोऑर्डिनेट होगा, सही है। अब आपका आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। और AP देखे, AP दे रखा है तो AP हमारा दे रखा है, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देते हैं साथ साथ ताकि ये स्क्वायर रूट हमारा हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर हो जाता है आपका AP का स्क्वायर और यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहां बन जाएगा आपका 9 और यहां पर आपका ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए अभी और यहां पर आपका बन जाएगा 25 और यहां पर क्या बन जाता है आपका, ये देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर 25 into 2 यानी कि 50 हो जाएगा। तो यहां पर 50 हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 आपका स्क्वायर रूट रहेगा तो 25 into 2 50। और यहां पर माइनस क्या करेंगे आप, 25 माइनस होगा पहले तो और 9 भी माइनस होना है और ये आपका बन जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर। तो 25 माइनस किया तो 25 और 25 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 बचेगा यहाँ पर आपका, ये हो जाता है y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट डालेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 4 और y प्लस 2। तो इसके दो रिजल्ट बनेंगे आपके, दो रिजल्ट कैसे बनेंगे आप देखते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, एक बार तो आपको प्लस का 4 लेना है और एक बार आपको माइनस का 4 लेना है। तो y की वैल्यू एक तो आएगी आपकी 2 और इस हिसाब से आएगी -6। तो आपके जो पॉइंट होंगे, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक तो बनेगा 0, 2, 0 और एक और बनेगा 0, -6, 0। अब आप सोच रहे हो फिगर में तो ऐसा दिख नहीं रहा भाई, ये आपका आंसर हाईलाइट कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका पॉइंट है वो तो थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ये आपका वाई डैश, आपका जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ऐसे भी तो कहीं बराबर हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो यहां से भी तो डिस्टेंस बन सकता है 5√2, तो दो तरफ से बन सकता है ये। तो ये आपका a डैश हो गया, तो a डैश आपका इस तरफ बन रहा है। तो बात समझ नहीं है कि दो पॉइंट हो सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट कब होता कि सिर्फ एक ही बनता, ये तब होता जब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया होता, ठीक है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, उस केस में केवल एक ही बन के आएगा, बट इस केस में आपके दो बन के आ रहे हैं, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट का हो गया।